तो गाइस एक और है हमारे पास आज टाटा की गाड़ी, टाटा एल्ट्रोस, और इनके हैं मालिक हेलो आदित्य। तो हेलो गाइस, मैं आदित्य हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली ये टाटा एल्ट्रोस परचेज की है, तो ये रही उसकी चाबी, एंड मेरी जो कार है वो है। तो गाइस ये जो है मेरी गाड़ी है टाटा एल्ट्रोस। चलिए बंदर चलते हैं, गाड़ी खोलिए। आप एक बार ओवरऑल लुक दे देता हूँ, पीछे यहाँ पे कैमरा है, देखिए चाबी से लाइट भी ऑन होती है इसकी, ये देख सकते हैं कैसी गाड़ी है। ओवरऑल लुक दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए कैमरा दिया गया है रिवर्स, पीछे से कुछ ऐसी लुक है, साइड से भी कुछ ऐसी लुक है, ऐसे खुलती है, ऐसे कुछ चाबी है दिखाई, ऐसे दबा के खोलते हैं उसे। अभी सब दिखाएंगे आपको साइड से, ऐसे यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा, मुझे लगता है कि शायद टॉप मॉडल में आता है। चलिए अंदर बैठते हैं गाड़ी का, आ जाइए। अभी कितने दिन हुआ है लिए हुए? तो मुझे अभी पाँच एक हफ्ता होने वाला है लिए। एक हफ्ते एल्ट्रोस की मैजिक इधर भी दिख जाती है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, यहाँ पे है इसका टच स्क्रीन एंड तो पहले यहाँ पे हम लोग का ये 7 inches का यहाँ टच स्क्रीन मिल जाता है हम लोग को। उसके बाद फिर यहाँ आपको ऑडियो सेटिंग्स, इसमें आप जैसा चाहे अपना ऑडियो सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर आपको अगर अपना यहाँ पे बीटी सेटिंग हम लोग का मिल गया है, पार्किंग असिस्ट पीछे में मिल जाएगा आपका, जैसे ही आप अपना स्टेयरिंग रोटेट करेंगे वो आपको डायरेक्शन भी दिखा देगा कि किस तरफ आपका गाड़ी जा रहा है। तो अब आ जाते हैं इसके कार सेटिंग्स में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पे आप लोग को एम्बिएंट लाइटनिंग दी जाती है, जब आप अपना ये ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे ऊपर में एम्बिएंट लाइटनिंग का ऑप्शन आ जाता है जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जल जाता है हमारा एम्बिएंट लाइटनिंग। उसके बाद फिर अब आप यहाँ पे चाहे तो इसके अंदर आपको 5 gear मिलते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इधर फिफ्थ गियर। और फिर यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है मोड चेंज करने का ऑप्शन, ये अभी हमारा चला गया इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इको मोड पे ये हम लोग का चला गया। फिर इसमें एक और मोड होता है सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये बड़ा अच्छा लगता है बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है, ग्लोब बॉक्स के अंदर आपका यहाँ पे फ्रिज दिया हुआ है, फ्रिज है इसके अंदर आपका, आप लोग का कूल वाला यहाँ पे दिया रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया जाता है जिसके अंदर आप कुछ भी, ये आगे पीछे होता है ना? हाँ ये आगे पीछे, ये एडजस्टेबल भी है, पोजिशनल है इसका, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा, और यहाँ पे आप, अरे पागले रे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको लेदर रैप करवाया हुआ है। उसके बाद फिर इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, इधर आपको मिल जाता है मल्टीमीडिया का ऑप्शन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आपका मिरर एडजस्टमेंट का मिल जाता है, जैसे कि आप इसको करिएगा, मतलब पीछे करिएगा तो शीशा बंद हो जाएगा, फिर से पीछे करिएगा तो शीशा खुल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज का मिल जाता है, यहाँ 1 touch down आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड गेट। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आपका देखने को मिल जाता है हैंड ब्रेक। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं यहाँ पे आपको सारे एसीज का मिल जाता है, जितना एसी का फंक्शन होता है। यहाँ पे आपको एल्ट्रोस की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ आपका हजार्ड लाइट का स्विच है। तो आगे की एडजस्टमेंट की बात करते हैं, मेरी जो हाइट है वो है 6'1", तो 6'1" की हाइट एडजस्टमेंट में ये बहुत कम्फर्टेबल है, ये आपका हाइट एडजस्टेबल भी है और ये आपका टिल्ट एडजस्टेबल भी है। तो यहाँ पे अब आपका स्टेयरिंग आपका टिल्ट एडजस्टेबल, आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जितना भी एसी विंड्स, यहाँ पे आपके आगे में टोटल 4 है और आगे में टोटल 6 स्पीकर्स है। उसके बाद अब आ जाते हैं पीछे की ओर। तो गाइस पीछे का डोर कुछ ऐसे खुलता है, इसको यहाँ से पुश करना रहता है तो ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, काफी बड़ा आर्मरेस्ट है ये, जिसको आप टिल्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट नेचुरल का यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, नॉट स्पॉन्सर्ड बट आप ये खरीद सकते हैं, बहुत इजी है ये, 400 रुपीज का ये आता है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पीछे में भी एसी मिल जाता है, पीछे भी एसी विंड्स मिल जाता है, यहाँ पे 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे एक बेसिक सा यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं कोई भी मोबाइल्स। तो यहाँ पे ताकि मैंने कवर लगवाया हुआ, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर्स, मतलब पॉकेट मिल जाता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट है जिसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ये 3 एडजस्ट में आता है। और आपके पीछे में भी यहाँ पे ये भी एडजस्टेबल ये रहता है जहाँ से इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका लाइट का स्विचिंग दिया हुआ है जिससे कि आप लाइट ऑन कर सकते हैं, और ये पैसेंजर वाला ये डोर। तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर में माइक मिल जाता है और यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है। तो अब आते हैं इसके बूट की तरफ, भी ट्विटर दिए जाए खोल के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसको एक्सेस बटन दिया गया है, यहाँ पे एक्सेस बटन है, पीछे भी तो यहाँ पे बूट स्पेस 375 लीटर का बूट स्पेस है। यहाँ पे एक आपको पार्सल ट्रे दिया जाता है। तो बस इतना ही कुछ, और यहाँ पे आपका अल्ट्रोस का लोगो और यहाँ पे एक कैमरा मिल जाता है, ठीक है, बैक कैमरा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।